कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा वासियों को सौगात देते हुए बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 4 संजीवनी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी और सभी का मुफ्त इलाज होगा। संजीवनी अस्पताल खोलने का ऐलान कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के लिए किया। कमल पटेल ने कहा कि इन हॉस्पिटलों के लिए 25-25 लाख रुपए के 4 भवनों की स्वीकृति हो चुकी है। इनका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा और इन संजीवनी अस्पतालों के प्रारंभ होने पर क्षेत्रवासियों को बेहतर निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, कृषि मंत्री ने ये घोषणा स्वास्थ्य शिविर आयोजन के अवसर पर की। गरीब मोहल्लों में 4 संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ करने वाले स्वीकृत हो गए। 25-25 लाख के भवन बनेंगे, एक दूध डेयरी में, एक फाइल वार्ड में, एक जतरा पड़ाव में और एक और हमारा मोहल्ला है जहाँ पुराना भवन है, उसको ठीक करके चारों दिशाओं में, 4 क्षेत्र में 4 संजीवनी अस्पताल, जिसमें कि कोई भी गरीब के बच्चे से लेकर कोई भी आएगा तो उसका ठीक से उपचार हो जाएगा, दवाइयाँ निःशुल्क मिलेगी ताकि आप सब स्वस्थ रहें। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।